नमस्कार, एनसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। फरीदाबाद के अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मरीज की स्वाइन फ्लू के चलते मौत हो गई। मरीज को सुबह 11 बजे फरीदाबाद के सर्वोदय अस्पताल चक्राट में एडमिट कराया था। उसके बाद करीब 1:30 बजे मरीज की मौत हो गई। इसके पीछे कोरोना वायरस के होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि डॉक्टर का भी कहना है कि कोरोना वायरस के लक्षण भी मरीज में सस्पेक्टेड थे, लेकिन हमें कम समय मिला इसलिए हम पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन मरीज की मौत स्वाइन फ्लू के चलते हुई है। धीरेंद्र मिश्रा 44 वर्षीय मरीज जो कि एक्सपोर्ट हाउस में मैनेजर के पद पे कार्यरत थे, जिनको फरीदाबाद के सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। उसके बाद मरीज की मौत हो गई। कोरोना वायरस का क्या था पूरा मामला? सर, सबसे पहले तो यहाँ पे कोरोना वायरस ऐड करना कोई इसमें अभी मुझे नहीं लगता कोई औचित्य है। हमारे पास एक मरीज आया जिसको कि स्वाइन फ्लू पॉजिटिव था और जिसमें ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में था। पेशेंट हमारे पास करीब 11:30-12 बजे आया और 2.5 घंटे के अंदर हमने डिक्लेयर कर दिया। तो पूरा मामला ये था कि पेशेंट सिक था, बावजूद कि हम अपना बेस्ट करते उसके बावजूद भी पेशेंट हमने खो दिया। पेशेंट कब एडमिट कराया गया था और उसके कितने टेस्ट कराए थे, किस कारण? सेक्टर 8 में आज सुबह ही पेशेंट आया है। इससे पहले कल सेक्टर 19 में था, जो हमारी प्राइमरी ब्रांच है, लेकिन वहाँ पर हमारे पास रेफरल किया गया। यहाँ पर आने के बाद जब हमने पेशेंट को देखा तो पेशेंट के अटेंडेंट्स को ये काउंसिल किया गया कि पेशेंट की हालत गंभीर है और कुछ भी हो सकता है। ये पूरी एक टीम ने हमारी ने बताया था, और जैसा कि हमें लग रहा था कि गंभीरता बढ़ती जा रही है, हम पेशेंट को नहीं बचा पाए। सर, जैसा कि बताया जा रहा था कि कहीं कोरोना के सिम्टम्स से, कहीं वो फ्लू के सिम्टम्स से, क्या कारण है और सर, क्या बचाव? स्वाइन फ्लू तो है उस पर, मतलब पेशेंट का डायग्नोज है। जहाँ तक कोरोना वायरस की बात है, हर एक खांसी, हर एक बुखार, हर एक जुकाम, आजकल हर कोई कोरोना वायरस सोच रहा है, तो हम भी उसको सस्पेक्ट ही कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास पेशेंट का स्टे ही टोटल देखें तो 2-3 घंटे का है, तो हम उस पर कोई टीका टिप्पणी अभी नहीं करना चाहते, क्योंकि